A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today, I will teach you mathematics. Now, I am going to take up exercise 5B of chapter 5. So, let's start. Question number 1 is fill in the blanks. इसमें देखिए हमको क्या करना है, blanks को fill करना है. चलिए इसमें हम first number देखते हैं. In 3 multiply by 8 is equals to 24. इसमें देखिए हमको एक equation दी हुई है. 3 multiply by 8 is equals to 24. इसमें देखिए 24 is a dash of 3 and 8. 24 क्या है 3 और 8 का? क्या है? Product है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? Product. 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 Okay. Next is, in 7 multiply by 9 is equals to 63. इसमें देखिए एक और इक्वेशन दी हुई है. 7 multiply by 9 is equals to 63. Dash is a multiple of dash and dash. इसमें देखिए किसका क्या, किसके मल्टीपल्स हैं डैश एंड डैश? देखिए 63 के हैं. 63 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 7 एंड 9, जो कि हमको इक्वेशन में दिया हुआ है. देखिए 63 दिया हुआ है. ओके, ये क्या है? प्रोडक्ट है. इसके मल्टीपल्स क्या है? 7 एंड 9. ओके, ये क्या है? इसके मल्टीपल्स हैं. नाउ नेक्स्ट इज 3 नंबर. The product of 5 and 6 is also there. जो product है 5 और 6 के वो क्या है और? Multiples है. तो इसमें हम क्या लिखेंगे? Multiples. चलिए लिखते हैं. MULTIPLES. Okay students, multiples. Now next is, the multiple of 9 is perfectly dashed by 9. जो 9 के मल्टीपल्स हैं वो क्या हो जाएंगे परफेक्टली 9 से? क्या हो जाएंगे? डिवाइड. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डिवाइड. कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे ना जो उसके मल्टीपल्स हैं उससे, 9 से. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 42. डैश डैश एंड डैश हैव 42 एज देयर मल्टीपल्स. कौन कौन से हैं 42 के मल्टीपल्स? 7 और देखिए दूसरा क्या है? 3 और क्या है? 2. ये सब क्या है? 42 क्या है? उनके सबके मल्टीपल्स हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. टेक द करेक्ट ऑप्शन. इसमें देखिए हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर हमको टिक करना है. ओके, चलिए फर्स्ट वन देखते हैं. द मल्टीपल ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर और ऑड नंबर. जो मल्टीपल्स होते हैं इवन नंबर के वो हमेशा कैसे होते हैं? इवन होते हैं या फिर ऑड होते हैं? कैसे होते हैं? इज ऑलवेज इवन होते हैं. वो हमेशा कैसे होते हैं? इवन. तो इवन पर हम टिक कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इवन और ऑड नंबर. जो मल्टीपल है 4 का वो कैसा होगा? इवन होगा या फिर ऑड नंबर होगा? देखिए 4 क्या है? एक इवन नंबर है. अभी हमने देखा था फर्स्ट वाले में कि जो भी मल्टीपल्स होते हैं इवन नंबर के वो हमेशा कैसे होते हैं? इवन होते हैं. तो 4 भी इवन नंबर है. अगर इसके मल्टीपल्स होंगे तो वो भी कैसे होंगे? इवन ही होंगे. तो देखिए हम इवन पर हम टिक कर देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द मल्टीपल ऑफ एन इवन और ऑड नंबर कैन बी एन इवन और एन ऑड नंबर. इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि कैसे नंबर्स के मल्टीपल हमेशा इवन और ऑड दोनों, मतलब इवन और दोनों हो सकते हैं. ऐसे कौन से होते हैं? देखिए आपको मैंने बताया था इवन में तो हमेशा इवन के जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा इवन होते हैं, बट ऑड के क्या होते हैं? ऑड के इवन और ऑड दोनों हो सकते हैं. तो हम क्या करेंगे? ऑड ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज द 8th मल्टीपल ऑफ एन ऑड नंबर इज इवन और ऑड नंबर. इसमें हमको क्या बताना है? इसमें पूछा गया है कि अगर किसी ऑड नंबर का 8th मल्टीपल अगर हम देखें तो वो इवन होगा या फिर ऑड नंबर होगा. चलिए हम कोई भी एक ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 3.
तो थ्री का हम एट मल्टीपल देखते हैं, एट मल्टीपल कितना होता है, थ्री एट जार कितने होते हैं, 24. ओके, थ्री एट जार 24 होते हैं. तो देखिए जो 24 क्या है, इवन है या फिर ऑड है? इवन है, तो इट मींस हम इस पर टिक कर देंगे इवन पर. ओके, नेक्स्ट इज द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ एन ऑड नंबर इज एन इवन और ऑड नंबर. अब देखिए इसमें फिफ्थ मल्टीपल बोला गया है, अभी हमको एट्थ मल्टीपल बोला गया था, अब बोला गया है फिफ्थ मल्टीपल. किसी ऑड नंबर का फिफ्थ मल्टीपल इवन होगा या फिर ऑड? चलिए हम एक ऑड नंबर लेते हैं, ऑड नंबर लेंगे, अगेन हम थ्री ले लेते हैं. अब देखिए थ्री का मल्टीप्लाई फाइव से करते हैं, फिफ्थ मल्टीपल पूछा है, तो थ्री फाइव जार कितने होते हैं, 15. 15 क्या है, एक ऑड नंबर है. ओके, तो क्या करेंगे हम, ऑड पर, ऑड ऑप्शन पर टिक कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें देखिए हमको क्या करना है, बॉक्सेस में फिल करना है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट इज द मल्टीपल ऑफ फाइव वेन आर ग्रेटर देन 25 बट लेस देन 45. देखिए इसमें किसके मल्टीपल्स बोले हैं, फाइव के मल्टीपल्स बोले हैं, लेकिन उसमें कंडीशन दी है कि वो 25 से ग्रेटर होने चाहिए, ग्रेटर मीन्स बड़े होने चाहिए फाइव के मल्टीपल्स, एंड 45 से लेस यानी कि छोटे. लेस मीन्स कम होता है और ग्रेटर मीन्स ज़्यादा होता है, यानी कि 25 से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 45 से कम होना चाहिए और वो 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए. चलिए देखते हैं 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, 5 का टेबल रीड करेंगे. 5 वन्स आर 5, 5 टूज आर 10, 5 थ्रीज आर 15, 5 फोर्स आर 20, 5 फाइव आर 25. देखिए 25 तो दिया हुआ है, अब इससे बड़ा लेना है हमको. 5 सिक्स आर कितने होते हैं, 30 लिखेंगे. देन 5 फाइव आर 5 सेवन आर 35, तो यहाँ पर लिख देंगे 35. देन 5 एट आर 40, यहाँ पर लिख देंगे 40. देन 5 नाइन आर 45, देखिए 45 दिया हुआ है लेकिन 45 से लेस बोला गया है तो हम 45 नहीं लेंगे. ओके, चलिए हम देखते हैं हम नेक्स्ट वन. द मल्टीपल ऑफ 9 विच आर ग्रेटर देन 27 बट लेस देन 81. तो देखिए इसमें किसके मल्टीपल्स बोले गए हैं हमको, इसमें हमको 9 के मल्टीपल्स बोले गए हैं, लेकिन बोला है कि ग्रेटर होना चाहिए 27 से, लेकिन लेस किससे होना चाहिए, 81 से लेस होना चाहिए, 81 से कम होने चाहिए इसके मल्टीपल्स जो हम लेंगे. मल्टीपल्स कितना दिया हुआ है, किसके देखने हैं, 9 के. चलिए हम 9 का टेबल रीड करते हैं. 9 वन आर 9, 9 टू आर 18, 9 थ्री आर 27. अब देखिए इससे बड़ा लेंगे, 9 फोर आर 36, 9 फाइव आर 45, 9 सिक्स आर 54, 9 सेवन आर 63, 9 एट आर 72. अब देखिए 9 नाइन आर 81 दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये तो 81 से तो हमको छोटा लेना था, लेस लेना था, तो हम ये 81 तो लेंगे नहीं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट सिक्स टू डिजिट इवन नंबर. अब इसमें देखिए क्या बताना है, फर्स्ट सिक्स टू डिजिट इवन नंबर बताना है. तो देखिए टू डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, 10 से स्टार्ट होते हैं. देखिए 9 तक तो ओनली वन डिजिट रहता है, टू डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, और 10 क्या है, इवन नंबर भी है. तो इसमें फर्स्ट पूछा है तो हमको क्या दे देंगे, 10 से लिखेंगे. 10 के बाद क्या लिख सकते हैं हम, फर्स्ट बोला है तो देखिए 10 के बाद क्या आता है, 11. 11 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसमें हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमको तो इवन बोला है लिखने के लिए. तो देखिए 11 के बाद 12. 12 क्या है, इवन नंबर है, इट मींस हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12 लिखेंगे. 12 के बाद 13. 13 क्या है, ऑड नंबर. नाउ फिर क्या है, 13 के बाद 14. 14 लिखेंगे यहाँ पर, 14 इवन नंबर है. 14 के बाद क्या आता है, 15 आता है, बट 15 तो ऑड नंबर है, उसे हम नहीं लिखेंगे. 15 के बाद 16. 16 हम इसमें नोट कर सकते हैं क्योंकि वो एक इवन नंबर है. नाउ नेक्स्ट इज 17. 17 क्या है, ऑड नंबर है. नेक्स्ट 17 के बाद क्या आता है, 18. 18 इवन नंबर है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे. नाउ 18 के बाद 19. 19 भी नहीं लिख सकते हम क्योंकि वो ऑड नंबर है. नेक्स्ट इज 19 के बाद 20. 20 लिखेंगे, ये इवन नंबर है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट सिक्स टू डिजिट ऑड नंबर. अब देखिए इसमें अभी हमने क्या लिखा था, इवन नंबर्स लिखे थे फर्स्ट सिक्स टू डिजिट, अब क्या लिखेंगे,
ऑड नंबर्स लिखेंगे टू डिजिट के। अब देखिए टेन तो हमारा इवन था तो हम क्या लिखेंगे, इलेवन लिखेंगे, इलेवन से लेंगे तो लिखेंगे हम यहाँ पर इलेवन, ट्वेल्व नहीं ले सकते तो क्या लेंगे ट्वेल्व के बाद थर्टीन, फोर्टीन भी नहीं लेंगे देखिए इवन था तो हम लेंगे फिफ्टीन, सिक्सटीन नहीं ले सकते सेवनटीन, एटीन भी नहीं ले सकते हैं हम तो नाइनटीन, देन ट्वेंटी लिखा हुआ है ट्वेंटी वन लिखेंगे यहाँ पर। ओके तो ये क्या है हमारे सारे ऑड नंबर्स हैं, देख सकते हैं आप इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन, और ये फर्स्ट ही है टू डिजिट में, इसके पहले और तो कुछ नहीं आता है, ये स्टार्टिंग के ही है तो हमको क्या करना है स्टार्टिंग के ही लिखने हैं। अगर यहाँ पर फर्स्ट नहीं लिखा होता तो हम अपनी मर्जी से कोई भी ऑड नंबर्स लिख सकते थे। ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट फाइव इवन मल्टीपल्स ऑफ थ्री। इसमें देखिए क्या बोला गया है, फर्स्ट फाइव इवन मल्टीपल्स पूछे हैं थ्री के, तो देखिए चलिए हम लिख लेंगे थ्री, तो हमको देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है, हम आगे के लिखेंगे थ्री वन ज़ार थ्री, थ्री टू ज़ार सिक्स, थ्री थ्री ज़ार नाइन, थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व, थ्री फाइव ज़ार फिफ्टीन एंड थ्री सिक्स ज़ार एटीन। ओके स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सर्कल द इवन नंबर्स। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, सर्कल करना है, कैसे नंबर्स को सर्कल करना है, इवन नंबर्स। स्टूडेंट्स इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स टू से परफेक्टली डिवाइड हो जाते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं इवन नंबर्स, और जो नंबर्स नहीं होते हैं टू से डिवाइड वो क्या होते हैं ऑड नंबर्स होते हैं। अगर हम चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं जिसके लास्ट में ज़ीरो टू फोर सिक्स एट ये नंबर्स आए तो वो नंबर्स क्या होंगे इवन नंबर्स होंगे। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है एट, एट क्या है इवन नंबर है तो इस पर हम क्या करेंगे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट इज इलेवन, इलेवन तो इवन नंबर नहीं होता ऑड नंबर होता है। नेक्स्ट इज फोर्टीन, फोर्टीन इवन नंबर है, देन एटीन भी इवन नंबर है, ट्वेंटी फाइव ऑड नंबर है बिकॉज लास्ट में फाइव आ रहा है, हमने क्या बोला था ज़ीरो टू फोर सिक्स एट, जिसके लास्ट में ज़ीरो टू फोर सिक्स एट आएगा इनमें से कोई नंबर डिजिट आएगी तो वो क्या होगा इवन नंबर होगा, बट इसमें तो फाइव है इट मीन्स ये इवन नंबर नहीं है। नेक्स्ट इज थर्टी वन, थर्टी वन भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है फोर्टी टू, ज़ीरो टू टू आ रहा है इसमें तो इसमें भी हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट इज फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव क्या है ऑड नंबर है तो इस पर हम सर्कल नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सर्कल द ऑड नंबर्स। इसमें अब क्या करना है ऑड नंबर्स पर सर्कल करना है। ओके चलिए हम देखते हैं ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो टू से डिवाइड नहीं हो सकते या फिर जिसके लास्ट में वन थ्री फाइव सेवन नाइन इनमें से कोई नंबर आए, इनमें से कोई डिजिट आए तो वो क्या होंगे ऑड नंबर्स होंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या दिया हुआ है, थ्री दिया हुआ है तो थ्री तो हमारा ऑड नंबर है, देन फाइव, फाइव भी ऑड नंबर है, एट, एट इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, एट तो हमारा इवन नंबर है इस पर हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज इलेवन, इलेवन भी हमारा ऑड है, देन थर्टीन भी ऑड है, सिक्सटीन इवन नंबर है, देन ट्वेंटी वन क्या है इवन ऑड नंबर है। ओके नेक्स्ट इज ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर इवन है, देन ट्वेंटी सिक्स ये भी इवन है, देन ट्वेंटी नाइन पर हम सर्कल करेंगे, थर्टी टू, थर्टी टू क्या है इवन नंबर है, देन फोर्टी एट ये भी इवन नंबर है, देन फिफ्टी वन पर सर्कल करेंगे क्योंकि वन में देखिए मैंने भी आपको बताया था जिसके लास्ट में वन थ्री फाइव सेवन नाइन ये नंबर्स आए वो क्या है ऑड नंबर्स, देखिए लास्ट में बना रहा है इट मीन्स ये क्या है ऑड नंबर है। ओके स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर फाइव की एक्सरसाइज फाइव भी डन की है। ओके स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको करवाए हैं ये आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। ओके पहले अच्छे से आपको वीडियो देखना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, इसमें देखिए फिर इन द ब्लैंक्स वगैरह दिए हुए हैं आपको, टिक द करेक्ट आंसर दिया हुआ है, इवन एंड ऑड को सर्कल करने के लिए दिया हुआ है। ओके तो इसको पहले आपको अच्छे से समझना है कि इसको हम किस वे में करेंगे, अगर आप नहीं अच्छे से समझेंगे नहीं ओनली नोट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ओके सो आप अच्छे से वीडियो देखेंगे अच्छे से समझेंगे देन इसको डन करेंगे नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ।